लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। रिलायंस फिर भारत की सबसे बड़ी कंपनी, मार्केट कैप 7.47 लाख करोड़ रुपए हुआ। TCS को पीछे छोड़ा रिलायंस का शेयर ऑल टाइम हाई पर, 2.37% की बढ़त के साथ 1177 रुपए पर पहुंचा रिलायंस का मार्केट कैप। अब TCS से करीब 8,000 करोड़ रुपए ज्यादा मुंबई। रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में एक बार फिर देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। कंपनी का मार्केट कैप मंगलवार को 7.47 लाख करोड़ रुपए हो गया। उसने 7.39 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप वाली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को पीछे छोड़ दिया। रिलायंस अपने शेयर के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंचने के चलते नंबर वन बनी। उसका शेयर मंगलवार को 2.37% की बढ़त के साथ 1177 रुपए पर पहुंच गया। इसमें कुल 27.30 रुपए का इजाफा हुआ। TCS के शेयर में 0.72% की गिरावट देखी गई और वे 1933.5 रुपए पर था। इसके शेयर में 14 रुपए की गिरावट आई। 2013 में TCS ने मार्केट कैप के मामले में रिलायंस को पीछे छोड़ा था। 4 साल बाद अप्रैल 2017 में रिलायंस ने फिर TCS को पीछे छोड़ा। तब से दोनों के बीच कड़ी टक्कर बनी हुई है। जनवरी 2018 में TCS 6.11 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ फिर नंबर वन हुई। 12 जुलाई को ही रिलायंस का मार्केट कैप 11 साल में दूसरी बार 100 अरब डॉलर 6.90 लाख करोड़ रुपए के पार हुआ था। लेकिन उस वक्त भी 111 अरब डॉलर के साथ TCS नंबर वन बनी हुई थी। इससे पहले 18 अक्टूबर 2007 को भी रिलायंस ने 100 अरब डॉलर की मार्केट वैल्यू हासिल की थी। रिलायंस का मुनाफा 18%, TCS का 24% बढ़ा। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजों में रिलायंस का नेट प्रॉफिट 18% बढ़कर 9,459 करोड़ रुपए हुआ है। इस वजह से उसके शेयर की कीमत में इजाफा हो रहा है। रिलायंस को जियो, पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग ऑपरेशन से मजबूती मिली। वहीं देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी TCS का प्रॉफिट 24% बढ़कर 7,340 करोड़ रुपए पहुंच गया। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ और कंपनी के उत्तर अमेरिकी ऑपरेशंस के चलते TCS मजबूत हुई है।